अच्छी खबर है आपके लिए, राहत की खबर है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, साल की तीसरी कटौती है। रेपो रेट में रिजर्व बैंक की ओर से 0.25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। रिजर्व रेपो रेट 5.50% हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति बता रहे हैं, ये आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान कर दिया है, जिसका सीधा सीधा असर जो है आपकी ईएमआई के बोझ पर पड़ेगा, जो कम हो सकती है। रेपो रेट कम होने का मतलब सीधा असर आपकी ईएमआई और ब्याज दरों पर पड़ने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहत की खबर देशवासियों के लिए। लगातार ये तीसरी बार की आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। Repo rate by 25 basis points and also to change the stance of monetary policy from neutral to accommodative. The unanimous vote reflects the resolve of the MPC to act decisively and act in time. I thank the MPC members for the rich and fruitful discussions which are reflected in the resolution and in the policy decision. I also wish to express my gratitude to our teams in the Reserve Bank of India for their hard work and diligence in providing valuable support and inputs to the MPC for its work. Let me now turn to the key global and domestic developments that the MPC has reviewed. At the outset, the MPC noted that global economic activity has not been able to sustain the improved performance seen in the first quarter of the calendar 2019. In the face of deepening slowdown in trade and manufacturing, which has impacted advanced and emerging market economies alike. Inflation remains below the target in several economies. In advanced economies, incoming data for second quarter of 2019 point to loss of momentum relative to the first quarter. In the major emerging market economies, economic activity has either slowed or has contracted. It is in this context that the central banks across the world have moved to an accommodative stance in setting monetary policy. Financial markets have been unsettled by the acrimonious US-China trade tensions. Crude oil prices remain volatile, reflecting evolving demand-supply conditions and geopolitical concerns. Most emerging market economy currencies have depreciated against the US dollar. On the domestic front, the MPC noted that the May 31st, 2019 data release of the National Statistical Office showed that the GDP growth for 2018-19 has been placed lower by 20 basis points at 6.8% relative to its February 28th estimate. In Q4 18-19, GDP growth decelerated sharply to 5.8%, down from 6.6% in Q3 and 8.1% a year ago. तो आप शक्तिकांत दास को सुन रहे हैं, जब से गवर्नर बने हैं ये आप देख सकते हैं तीसरी कटौती की गई है, 25 बेसिस पॉइंट घटा दिए गए हैं। रेपो रेट 6% से घटकर अब 5.7% हो गया है। अब इसका सीधा फायदा आपकी ईएमआई पर पड़ेगा, जिस भी तरह की ईएमआई को आप चुकाने में जुटे हुए हैं उसको कम होता हुआ आप जरूर देख पाएंगे। सुन रहे थे आप शक्तिकांत दास को, गवर्नर, जिन्होंने बताया कि आरबीआई ने जिस तरह से अपनी क्रेडिट पॉलिसी को जारी किया है, इसमें मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट 0.25% की कटौती कर दी गई है। सुनील गर्ग अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सुनील जी, आपसे आज की ये जो तीसरी बार की कटौती है इस साल की, इसके मायने समझना चाहूंगी। 0.25% की कटौती कितना असर देशवासियों की पॉकेट पर पड़ने वाला है ईएमआई के बोझ को घटाने के लिए? देखिए, सबसे अच्छी बात तो क्या है कि दो दिन में हमको दो अच्छी न्यूज मिली है सरकार के द्वारा। पहले इन्वेस्टमेंट साइकिल और ग्रोथ के लिए कमेटी बनाई गई और आज रेपो रेट को कम किया गया है, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे थे कि इन्फ्लेशन रेट काफी डाउन था और नेचुरली इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा, उनकी ईएमआई पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा जो होम लोन है ऑटो लोन वाले हैं। लेकिन समस्या कहां पर आती है, जब रेपो रेट तो कम हो जाता है लेकिन जो बैंकर्स हैं वो उसको पास ऑन नहीं करते कई बार, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये भी देखना चाहिए कि जो हम रेपो रेट कम कर रहे हैं उसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिले, क्योंकि अगर कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा
तभी आगे रेट भी कम होगा और से कंजप्शन साइकिल भी बढ़ेगा। ठीक है सर, सुनील सर बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो बताया उन्होंने किस तरह से ये राहत की खबर है, क्योंकि अब तक तीन बार की जो कटौती की गई